आजमगढ़ जिले में 5 दिन पहले महनाजपुर थाना क्षेत्र के भंवरपुर पुल के नीचे महिला की हत्या कर फेंकी गई लाश के मामले में पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा हत्या में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन, महिला का पर्स व अन्य कागजात बरामद किए हैं। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपित से महिला का संबंध था, लेकिन उसने जबरन गाड़ी में बैठाकर जबरदस्ती की कोशिश की तो विरोध पर नाराज होकर स्टॉल दुपट्टा से गला कसकर उसकी हत्या कर दी गई, जबकि दूसरा आरोपी मुख्य आरोपी को हत्या के बाद उसको शरण दिया था। महनाजपुर थाना के भंवरपुर पुल के नीचे मऊ परासिन गांव के निवासी और LIC एजेंट 30 वर्षीय सीमा गौड़ का शव मिला था। महिला का पति रोजगार के सिलसिले में कानपुर में रहता था। घर पर केवल 3 छोटे बच्चे थे। पुलिस के लिए एक चुनौती थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद चिल्लूपुर मंदिर के पास से आज सूरज गुप्ता निवासी चकिया कसरावल थाना महनाजपुर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सुभाष गुप्ता ने बताया कि शाम को महिला को जबरन उसने अपनी कार में बैठाया और इधर उधर घुमाने के बाद जब नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की तो महिला ने विरोध कर दिया। इसी आवेश में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद गोविंद मौर्य निवासी पुरानी बाजार महनाजपुर के घर पर ही शरण लिया था। पुलिस ने गोविंद मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 8 जनवरी को एक अज्ञात महिला का शव भंवरपुर गांव के पास नदी के नीचे मिली थी। उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी, बाद में महिला का शिनाख्त हुई और इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि एक व्यक्ति जिसका नाम सूरज था उससे महिला की निकटता थी, उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाके घुमाने ले गया और उसने निकटता बढ़ाने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो मफलर से उसका मुंह दबाकर महिला की हत्या इसने कारित कर दी। घटना में जो प्रयुक्त जाइलो गाड़ी थी उसकी बरामदगी कर ली गई है और साथ में महिला का जो सामान था उसके पर्स में, जो उसके पर्सनल यूज़ का था, वो भी इनके पोजेशन से बरामद हुआ है। एक मुकदमा जो अज्ञात में था उसका शीघ्र अनावरण के लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत करने के लिए संस्तुति की गई है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।